हो जाते हैं। एक नया किस्सा ये है कि मेरी जिंदगी में एक साधु बाबा है, हम लोग रोहतांग पास में शूटिंग कर रहे थे, वहाँ गर्म कपड़े बर्फ के वर्षा और गाड़ी जा रही है, हम थे विजेंद्र काला थे, तो देखे कि उसमें ही एक जनरल रंग करने एक बाबा चला गया। हम कहे काला देख जादू भूत है, बर्फ में खुले बदल जादू फिर पता नहीं, तो गाड़ी रुक गाड़ी रुक गाड़ी रुक, बाबा उतरे, बाबा नहीं उतरे हम उतरे, और हमने उनसे पूछा कि भाई साहब घूम रहे हैं भाषा करता है, और घूमता हुआ ऐसा था ना जैसे उसका कोई अठन्नी खो जाए, तो कोई भी पत्ता उठाता था कहता है ये पत्ता जो है गुड़काट पत्ता नाम है उसका, गुड़काट क्या होता है ये डायबिटीज के लिए, उसकी नज़र पत्तों की बहुत अच्छी जानकारी थी। मैंने कहा यार हम भी घूमते लेकिन तुम बाबा कौन हो, कहाँ के बाबा हो, तो उसने कहा देख देवरिया में देवराह बाबा होते थे, उनके शिष्य हैं हम, गलती से हम भी उनके शिष्य हैं, अगर आया तुम तो गुरु भाई हो गए यार, वाह चलो मेरे साथ बैठो, बैठ गया, दोस्ती हो गई मेरी उससे। ये मैं बता रहा हूँ एक फिल्म थी चरस उस समय की बात। अब धीरे 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 बाबा ऑब्वियसली वो जंगलों में रहने वाला दतिया में रहता है, वो दतिया मध्य प्रदेश में आप ही प्रदेश, हाँ वो थोड़ा वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि झांसी के साइड की यूपी बुंदेलखंड की दतिया मतलब वहाँ का था, और जंगलों में रहने वाला आदमी नागा साधु बम्बई आ गया। भैया हम आ गए बात पर, तो बताओ क्या करें, एक मिनट भाई साहब आप वहीं रहिए, अरे स्टेशन से बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं आप ऐसे ही नंबर पर फोन करो पास करें। अब हम सोचने लगे कि एकदम ही बाबा टाइप आदमी हम बिल्डिंग में घुसेगा क्या होगा। खैर वो आया मेरे साथ रहने लगा, ऑब्वियसली बड़ी बड़ी चटाएं, तो मेरे कुछ दोस्त वोस्त आए कर देख रहे हो क्या देख रहे कंधे पर जुआ चलना है देख रहे हो तो वहाँ जुआ की बात वैसे करे इधर जुआ जुड़ गए उधर करे, मतलब अब क्या करिएगा, वो जंगल में रहने वाला मुट्ठी से सर धो लिया जटा बन गई। सबसे पहले तो मैं सेवलॉन वेवलॉन ला करके बाबा तीन घंटे इसको रखना, बहुत गंदगी गिरी उसको भी अच्छा लग गया, अब दोस्त है यार दोस्त कैसा भी हो सकता है, हमारे वो आओ तुम। अब मैं उस समय बड़ा घुमंतू था, थोड़े दिन तक ऑफिस वगैरह कुछ करता था, जो पैसे मिलते थे घूम के आ जाओ। दतिया बुलाया, पापा जी तुम पागल हो, कौन है बाबा कहाँ है आश्रम का दतिया में, वो जिंदा है रह रहा है तो हम भी रह ही जाएंगे, ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन में कोई कमिश्नर साहब पहचान गए, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं दतिया में किसके आम करे बाबा का, खबरदार बहुत गजब इलाका है। अब बाबा के पास 10 दिन की छुट्टी के लिए गया था, और बाबा के पास मैं पहुँचा हूँ गुरु, कोई ना मकान ना कुछ, एक बड़ा सा पेड़ उसी के नीचे बाबा रहते, और मेरे पास सोनी का कैनन का कैमरा लैपटॉप म्यूजिक सिस्टम जो जो मैं लेके चलता हूँ, ये मेरे बाबा ये सब कहाँ जाएगा, मतलब मैं अगर टॉयलेट भी जाऊँगा तो मैं ना मैं इंतजाम करता हूँ, साइकिल का चेन लाया और सारी चीज़ों को कवर को उसने उसमें, मेरे बाबा इससे नहीं होगा कोई भी खोल के ले जाएगा, लेकिन सब ठीक था। वो 10 दिन जो है एक अलग ही दुनिया देखी, विदाउट छत आप रह रहे हैं, और शाम में खाने के बाद वो कह रहा है मोर आते हैं यहाँ इसीलिए सांप नहीं आते कह रहे उनसे सोना गया सांप नहीं आते, मतलब आप यहाँ तो एक बढ़िया बिल्डिंग में रह रहे हो, एसी है गीजर ऑन कर लो, वहाँ मतलब आपको सोने पर भी मतलब कोई गारंटी नहीं मिलने वाला है कि सुबह उठोगे कि करते हुए उठोगे, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। और उन दिनों मेरे यहाँ एक दोस्त रहता था, दोस्त नहीं था मतलब बहुत प्यार करता था, उसका नाम था आदिल, मैं आदिल, हमको लगा गुरु अब बाबा भी आ रहा है कहीं हिंदू मुस्लिम और इधर से छोड़ छोड़ गया था, तो आदिल को मैंने कह दिया आदिल तुम बेटा खन्ना बन जाओ कुछ दिनों के लिए, क्या कह रहे हो हाँ यार और राम छोड़ा यार तुम खन्ना बन जाओ कुछ दिनों के, भाई अभी क्या है क्या कर रहे हैं आप, बाबा आए
अरे महाराज पहले तो चौकीदारों के दादे लोग ने कहा क्यों किधर क्या है भेंट मांगे आज ऐसा भी बोल दिया उसने। वो आया आपके कोई मिलने आया तो गाल लाल ऊपर आया डांटे हम ये सब नहीं किया करो चौकीदार हेलो मेरा गेस्ट है गेस्ट तो अलग तरह के होते हैं। मैंने पैर छुआ आदिल और बाबाओं का क्या होता है जो छू लेता उसको देखते भी नहीं जो नहीं छू रहा होता है ना उसको देखते चूल्हे खंडा करो वो हिल नहीं रहा बाबा की पैर को नहीं छूरा सलमान खान भी अपने घर में गणपति रखता है तुम्हें पैर छूने मतलब घुटने से थोड़ा ऊपर बाबा प्रणाम वाले मतलब मैंने कहा वाह यार ये देखो बाबा ये खन्ना है और तीन दिन बाद से रोजा और नवरात्र दोनों एक ही दिन शुरू हो पापा को इंटरेस्ट नहीं करने लग गया ये बड़ा भयंकर पंडित है भाई कुछ खाता पीता नहीं है पानी तक नहीं पी रहा है और हम तो खाली दूध भी पी रहे हैं केला भी खा रहे हैं बहुत अलग है ये बहुत बढ़िया व्रत करता है तो बता खन्ना दशरथ ने क्या कहा था मध्य भाग खन्ना की हालत खराब से खन्ना दशरथ ने किसको क्या कहा था यार बाबा हम तो खन्ना है पंजाबी है तो हमें कुछ नहीं बताया गया बाबा अच्छा वो छोड़ अगरबत्ती जला लोग बार बार मुझे ऐसे देखे संजय भाई मैं अब दोनों ने एक साथ मतलब बाबा तो सोच रहे थे कि खन्ना साहब नवरात्र रख रहे हैं खन्ना साहब को मालूम था कि मैं रोजा रख रहा हूँ शाम में व्रत दोनों साथ ही तोड़े लो खन्ना ये खाओ संतोषी माता एक बार दोनों एक ही साथ खा रहे दोनों एक ही साथ खा रहे फिर बाबा दो चार दिन ऑब्जर्व करने के बाद इसका व्रत तोड़ने का तरीका थोड़ा अलग है क्योंकि रोजा कुछ अलग तरीके से तो पकौड़ियाँ तो ये तो बहुत ही खूबसूरत समा था और जब तक दोनों आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं जब तक इन लोगों को पता नहीं था इनको नहीं पता था कि कौन क्या है तब तक बड़े मस्त हैं साथ में खा रहे हैं साथ में सो रहे हैं सब कुछ आदि खन्ना ये लो रोटी दही लो दही हाँ वो अचार हमें दे दो और कभी भी उससे आरती करवा लेते थे घंटी बजाओ भजन हमें नहाता है बाबा हम नहीं गा पाते हम भजन क्या घंटी तो बजा सकते हो जय दे माता पीछे वो घंटी वगैरह हम भी तो वो एक बहुत खूबसूरत सा तो माहौल था मेरे घर। ठीक है सर, सर आपने अपने करियर में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं आपका अपना कौन सा पसंदीदा कैरेक्टर है? यार ये बड़ा कभी कभी लगता है कोई आएगा अगली पिक्चर वाला शायद वो पसंदीदा हो जाए कभी कभी आप किसी ऐसे मूड में होते हो तो आपको गोलपाल देख के हंसने लगते हो यार ये बात सही था।